नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं हूं अभिषेक पारीक और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नाउन। नाउन देखने में तो बहुत सिंपल लगता है। नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। सभी छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करता है, तो जैसे जैसे नाउन का डेप्थ नॉलेज जो है बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ता। जो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए वो नहीं होते, और इसी के कारणवश रिजल्टिंग टू दिस बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े अच्छे लोग प्रॉब्लम फेस कर जाते हैं। तो नाउन एक बहुत ही ट्रिकी, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आज आपके सभी कंसेप्ट, सभी परेशानियां, सभी डाउट्स नाउन के बारे में पूरे क्लियर कर दूंगा। मुझ पर भरोसा रखिए। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ। मुझे कोई ऐसी एक चीज बताइए जिसका नाम ना हो। नो डाउट आपको बहुत सी चीजों के नाम नहीं पता, लेकिन उनके नाम तो होते हैं ना। हाँ, हर एक चीज का इस ब्रह्मांड में नाम होता है। क्यों? क्योंकि हमें उनको एक अलग आइडेंटिटी देना है, उनको एक अलग पहचान देना है, उनका एक अलग अस्तित्व होता है हर एक चीज का। और इंसानों के लिए तो नाउन जो नेम है ये तो बहुत ही मायने रखता है। मैं आपसे पूछता हूं, जय हेमंत मुझे बताइए। नहीं बता पाओगे आप? जय हेमंत, मैं आपके सामने नाम रखता हूं, जय हेमंत बताइए। कुछ मेरे दोस्तों को पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा, क्योंकि उनका तो आजकल का ये चहेता एक एक्टर है। कौन? टाइगर श्रॉफ। यस, जय हेमंत श्रॉफ इज ए टाइगर श्रॉफ। तो देखा आपने नाउन कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, लेकिन उससे पहले नाउन आया कहां से? नाउन आया नोमेन, इस लैटिन वर्ड से, नोमेन। अब यहां से नाउन की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है ऐसे दुनिया में एक भी चीज नहीं जिसका नाम नहीं है, हर एक चीज का एक नाम होता है। तो हम उसकी डेफिनेशन जो है बेसिक, वहां से स्टार्ट करते हैं। नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हर एक के लिए नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब, वो उनकी आइडेंटिटी है। मैं हूं अभिषेक पारिक, ये मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इसके आगे मैं एक छोटी सी और डेफिनेशन ऐड करता हूं। इट इज अ नेम ऑफ पर्सन्स कर देते हैं, प्लूरल कर देते हैं, पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, इमोशंस और आइडियाज। देखिए, दुनिया में जितने भी पर्सन्स है, चाहे वो अंकल, आंटी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जितने भी पर्सन्स हो, चाहे फिर वो डॉक्टर, इंजीनियर, गर्ल, बॉय, जितने भी मानव जाति है उनके सभी के नाम, ठीक है। प्लेसेस, जितने भी प्लेसेस है उनके नाम। एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स है उनके नाम। और थिंग्स, जितने भी इस ब्रह्मांड में चीजें हैं उनके नाम। यहां तक कि हम भूत प्रेत को भी एक नाम दिया हुआ है हमने, बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा, है ना। और वायरसेस को भी हम नाम देते हैं, N1, H1, जितने वायरसेस है सबके नाम है। इस कोरोना वायरस का भी नाम है, COVID-19 दे चुके हैं उसको, कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो मेरे दोस्तों, इमोशंस और आइडियाज इनके भी नाम होते हैं, है ना। अगर आज हैप्पी हो आप तो बोलेंगे आज आप हैप्पी हो, देर इज हैप्पीनेस इन योर माइंड, आपके अंदर आज हैप्पीनेस झलक रही है। आज आप सैड हो तो जो हमारे जो मन की अवस्था है, जो हमारी सिचुएशन है, उसको भी हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है। नाउन एक ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे बड़ा शब्दों का ग्रुप, लार्जर पार्ट ऑफ द ग्रुप ये फॉर्म करता है किसी भी ग्रामर में, किसी भी लैंग्वेज में, फिर चाहे वो इंग्लिश हो या फिर कोई और हो। नाउन वर्ब से नाउन कैसे बनता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउन को मैं आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट में लूंगा, सिर्फ इसका आज इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि आपको इसकी बेसिक कंसेप्ट, बेसिक इसका एक आइडिया आ जाए। और धीरे धीरे मैं हर एक वीडियो में हर एक नाउन का जो टाइप है
वो आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आज देखते हैं नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ये तो आपको समझ में आ गया कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इट इज ए नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, इमोशंस और आइडिया। इसके लिए आप कर सकते हो, छोटे बच्चे इसके लिए कर सकते हैं, अपना थंब उठाइए। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, इमोशंस और आइडियाज। इमोशंस और आइडियाज, ये डेफिनेशन लर्न करने में, ये सीक्वेंस जो लर्न करने में बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब नाउन के फॉर्म्स कैसे कैसे उसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। नाउन बहुत तरह के होता है, जैसे कि अगर नाउन की बेसिक फॉर्म्स देखें तो कॉमन नाउन, जैसे कि मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पर कॉमन नाउन, फिर उसके बाद प्रॉपर नाउन, फिर इसके बाद कलेक्टिव नाउन, फिर इसके बाद कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, ऐसे अलग अलग तरह के बहुत से नाउन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर होता है कंपाउंड नाउन। फिर हम नाउन को और एक बार क्लासिफाई कर सकते हैं काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स के अंदर। अनकाउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स। तो दोस्तों ये है नाउन, बहुत सिंपल है डेफिनेशन इसकी। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट इज अ नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, इमोशंस और आइडियाज। दुनिया में जो भी चीज है उसका एक नाम होता है, ठीक है। कुछ कुछ जगह पर लिखा है नाउन इज अ पर्सन, नहीं, नाउन पर्सन कैसे होगा। जैसे कि बहुत से लोग अपना एक नाम जो होता है वो चेंज करते हैं। एक गैजेट, उसका एक प्रोसीजर है, गैजेटेड ऑफिशियल एक आपको नोटिस देना पड़ती है, उसका एक लीगल प्रोसीजर है, उसके बाद वो नाम जो है वो चेंज हो जाता है। तो क्या इसका मतलब वो पर्सन चेंज हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमने यहां पर गलती नहीं करना है। इट इज अ नेम ऑफ, ये देखिए, इट इज अ नेम ऑफ। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जय हेमंत श्रॉफ, उनके घर वाले उनको पता है जय हेमंत श्रॉफ कौन है। टाइगर श्रॉफ भी वही है। तो क्या है, दो पर्सन है? नहीं, ये एक ही पर्सन के दो नाम है। इनको ज्यादा जो फेमस है, जो पॉपुलरिटी मिली है, ये मिली है इनको टाइगर श्रॉफ के नाम से। आजकल सभी के दिलों पे राज करते हैं ये बच्चों के। तो ये जो टाइगर श्रॉफ जो एक्टर है, अगर किसी के मैं सामने पूछूं कि जय हेमंत, तो शायद बच्चा उनको नहीं जान पाएगा, राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, इमोशंस और आइडियाज। जितने भी हमारे इस पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में जितने भी प्लेसेस है, पर्सन है, सभी को नाउन है। अभी हमारे जो पृथ्वी के पर्सन है हम उनको पर्सन बोलेंगे, और जो हमारे पृथ्वी के बाहर है, मतलब जो फॉरिनर प्लैनेट है, जो दूसरे प्लैनेट है, उनको हम क्या बोलते हैं? यस, बिल्कुल सही, एलियंस बोलते हैं। हमारे देश के जो पर्सन है वो हमारे सिटीजन है, नागरिक। बाहर वाले देश के आए तो वो हो गए फॉरिनर्स, राइट, परदेशी लोग हो गए। तो इस तरह से हर एक चीज का एक नाम होता है, हर एक प्लेस का एक अलग नाम होता है, उनको एक अलग पहचान देने के लिए, उनको एक अलग अस्तित्व, एक आइडेंटिटी देने के लिए, राइट। और इंसान के लिए तो नाउन सबसे बड़ी चीज है। किसी के लिए भी कोई नाम चेंज करना इज नॉट ए इजी टास्क। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारे देश में जो होता है, लड़कियों का शादी के बाद प्रॉपर नाम, मतलब जो फर्स्ट नेम है, वो छोड़ के बाकी पूरा नाम चेंज हो जाता है। शादी से पहले पापा का नाम रहता है, शादी के बाद चेंज हो जाता है ऐश्वर्या राय, अभी ऐश्वर्या बच्चन हो चुकी है, राइट। तो ये सब चीजें हैं नाउन के लिए। अब ये जो है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और बहुत सारे नाउन है इसके अंदर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो ये सब नाउन के लिए मैं एक अलग स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।